नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत में एक बार फिर बच्चों ने वो कर दिखाया। देखिए, आज 12वीं कक्षा का जो CBSE का जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है और पानीपत के विद्यार्थियों ने, पानीपत के बच्चों ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया, नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आर्यबाल भारती पब्लिक स्कूल की ये तस्वीरें जहां आप खुशी देख सकते हैं कि मिठाई खिलाकर बच्चों को की जो ये खुशी है, जो मेहनत है, उसको आज मनाया जा रहा है। क्योंकि खेलों की बात करें या शिक्षा की बात करें, हर समय आर्यबाल भारती जो स्कूल है वो प्रथम स्थान पर रहता है और एक बार फिर से बच्चों ने वो कर दिखाया। जो मेहनत जो टीचरों की ओर से कराई जाती है उसका परिणाम है कि आज फिर 57 जो मेरिट है वो हासिल की है आर्यबाल भारती पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने और एक बड़ा मुकाम है वो हासिल किया है। देखिए, सभी के सभी बच्चे आप देख सकते हैं, सभी के चेहरे पर खुशी है। ये खुशी है उस मेहनत की जो शिक्षकों द्वारा कराई गई थी और उसी का आज परिणाम है कि 57 मेरिट, जी हाँ बिल्कुल 57 मेरिट ये बच्चे हासिल कर चुके हैं। और स्कूल में देखिए किस प्रकार से खुशी मनाई जा रही है, इन बच्चों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। सभी के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि मुस्कान है क्योंकि मेहनत आज रंग लाई है। CBSE बोर्ड की ओर से आज परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है और ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील ले रही कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। पानीपत के आर्यबाल भारती स्कूल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक बार फिर से बच्चों ने की जो मेहनत है वो रंग लाई है और मिठाइयां आज खिलाई जा रही हैं। बच्चों का मुंह मीठा कराया जा रहा है क्योंकि इन बच्चों की जो मेहनत है वो आज रंग लाई है और अब नए नए जो मुकाम हैं वो बच्चे जहां हर क्षेत्र में हासिल कर रहे हैं। यदि शिक्षा की बात करें, खेल जगत की बात करें, तो हर क्षेत्र में पानीपत के जो बच्चे हैं वो आगे निकलते नज़र आ रहे हैं। और हरियाणा के पानीपत में इस बार फिर से एक ही स्कूल में 57 मेरिट आना बहुत बड़ी बात है। एक बार बातचीत करेंगे, प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, 57 मेरिट बहुत बड़ी बात होती है? सर, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में 51 साल से लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो ये हमारे टीचर्स की मेहनत है, हमारे बच्चों की मेहनत है, साथ में हमारे अभिभावकों का साथ है। और इसके साथ साथ जहाँ स्कूल के मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो, उनके चलाए हुए मार्ग पर चलते आ रहे हैं और इस तरह से चलते आएंगे, तो हम बहुत खुश हैं और यही आपके सामने सबकी मेहनत का नतीजा है। अब आगे भी बच्चे जाएंगे, नए नए अवसर इन बच्चों के सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? अब हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वैसे तो हम लोग बच्चों की इतनी काउंसलिंग कर देते हैं कि उनको आगे कोई टेंशन ना हो अपनी फ्यूचर से रिलेटेड, तो ये बहुत ही अच्छे फील्ड में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कोई यहाँ से DC बन के जाएगा, कोई SDM बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो कोई इंजीनियर बनेगा, पूरा विश्वास है हम लोगों को। अब इतने लंबे समय तक ये बच्चे स्कूल में पढ़ते रहे, लेकिन अब ये बच्चे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं याद तो जरूर आएगी। बिल्कुल सर, 15 साल से बच्चे हमारे साथ होते हैं और नर्सरी से लेकर 12th तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार स्कूल में ही पढ़ते आ रहे हैं। और लेकिन जब एक बॉन्ड हो जाता है बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं तो बच्चों की याद आती है। और लेकिन याद आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे हमसे मिलने जरूर आते हैं। तो याद बच्चों की जरूर आएगी क्योंकि 15 साल जिन बच्चों को पढ़ाया, उनको समझाया, चलना सिखाया, आज वो बच्चे इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। अब याद भी आना जरूरी है क्योंकि देखिए सभी के चेहरे पर खुशी है, वो खुशी जो आप देख सकते हैं कि मेहनत आज इन बच्चों की रंग लाई है। एक बार बेटियों से भी जरूर जानेंगे, क्या नाम है गुड़िया? चारों। कैसा लग रहा है आज 57 मेरिट आपके स्कूल में आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, स्कूल में इतना अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा सपोर्ट रहा टीचरों की ओर से? टीचर की ओर से बहुत सपोर्ट रहा, मतलब उन्होंने बहुत पूरे साल मेहनत की है। हमारे तो टर्म 1 टर्म 2 दो बार एग्जाम, मतलब हर चीज उन्होंने बहुत हमारी हेल्प किया है इतना स्कोर करने, मतलब टीचर प्रिंसिपल मैम प्लस मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट और फ्रेंड्स का भी, मतलब टोटली सबका सपोर्ट से इतने स्कोर कर पाए, 93%। आप क्या कहोगे? मैं भी ये कहूंगी कि स्कूल का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, और टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा किया इन टीचर्स ने, प्रिंसिपल मैम ने टाइम टू टाइम हमारी गाइडेंस की, हमारी काउंसलिंग भी साथ के साथ की। हम कभी डीमोटिवेट होते थे तो मोटिवेशन में भी उनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले। याद भी आएगी टीचरों की? हाँ जी सर, बिल्कुल याद आएगी। क्या कहोगे अपने टीचरों को? सर मिस तो बहुत करेंगे, पूरा टाइम स्पेंड हम करते थे सुबह से लेकर दोपहर तक, तो मिस तो करना ही ऑब्वियसली बात है, पर अब आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ टीचर्स तो हमें सपोर्ट करते हैं शुरू से लेकर अब तक।
बच्चों को क्या कहेंगे, छोटे बच्चों को जो आपके जो पीछे जो छोटी क्लासों में जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ पढ़ते थे, खेलते थे, उन बच्चों के साथ रहते थे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि स्कूल के अध्यापकों का काफी सपोर्ट रहा है, वो उनको भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है अच्छे मार्क्स लाने में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्कूल में रहें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं वो। कैसा स्कूल का माहौल रहा, किस तरह का पर्यावरण आपको मिला, किस तरह? टीचर्स बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करते थे और जैसे हम जो क्वेश्चन पूछते थे तो हमें उसका तुरंत जवाब मिलता था सर। तो देख सकते हैं बेटियां मुकाम लगातार हासिल कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी पानीपत के आर्य बाल भारती की स्कूल की जो बेटियां हैं उन्होंने परचम लहराया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 57 मेरिट, जी हां 57 मेरिट स्कूल में मिली हैं, बच्चों ने हासिल की हैं। क्या नाम है? विवेक। विवेक, कैसा सपोर्ट रहा स्कूल की तरफ से, टीचरों की तरफ से आपको? सर बहुत अच्छा है, मैं तो मतलब कहना चाहूँगा जब तक मैं स्कूल में रहा तो मेरा परफॉर्मेंस मतलब अच्छा रहा, जब मैं स्कूल नहीं आता तो अपने आप ही मतलब परफॉर्मेंस डाउन रहता था। अच्छा, तो अब याद आएगी टीचरों की, अब जाओगे यहाँ से? सर बिल्कुल बिल्कुल याद आएगी सर, बिल्कुल सर, यहाँ का माहौल बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। कैसा रहा 15 साल आपने यहाँ लगाए हैं, किस तरह से आपने देखा, क्या क्या कुछ समस्या भी आई है इस दौरान? सर प्रॉब्लम्स तो आती है, मतलब सर यहाँ पे आके सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं सोचता हूँ कि ये स्कूल मैंने अच्छा सिलेक्ट किया, बहुत खुश हूँ। छोटे बच्चों को क्या कहेंगे, आप तो निकल गए अब यहाँ से, जीत कर आपने वो हासिल की जो जीत यहाँ से लेना चाहते थे, अब छोटे बच्चे जो है जिनके साथ आप खेलते थे उन बच्चों को क्या कहोगे? सर उन बच्चों को भी हम यही कहेंगे कि वो भी अपने शिक्षक की बात माने और उनके उनके ऑर्डर्स फॉलो करें तो वो भी लाइफ में सक्सेस होंगे और आगे बढ़ेंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। स्कूल से कितनी सपोर्ट टीचरों की ओर से मिली थी? एक्चुअली सर बहुत सपोर्ट मिला सर, और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स हु सपोर्ट मी, और सब काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई बट सर टीचर्स की सपोर्ट की वजह से आज वी आर हियर। कितने परसेंट नंबर आपके? 93। टॉपर आप हो स्कूल के? नहीं सर, स्कूल मेडिकल। अच्छा, क्या कहोगे आज जहाँ परिणाम स्कूल का आया है? सर परिणाम तो बहुत अच्छा है, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो सभी के सभी जो बच्चे हैं वो खुश है, आज CBSE बोर्ड की ओर से जो परिणाम है 12वीं कक्षा के वो घोषित कर दिए गए हैं और आर्य बाल भारती स्कूल से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सभी के सभी बच्चे खुश हैं, सभी की जो मेहनत है वो रंग लाई है। सर क्या कहना चाहोगे, जो आपने मेहनत की उस मेहनत का आज परिणाम है कि 57 मेरिट बहुत ज़्यादा हो जाती है सर स्कूल के लिए, इसके लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा हुई? देखिए हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है क्योंकि यहाँ शिक्षा के साथ साथ अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारा विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है मेरे हिसाब से कि जो बच्चों को सुबह प्रेयर से लेकर और छुट्टी तक, छुट्टी के समय भी हम शांति पाठ करते हैं और सुबह प्रेयर से पहले यज्ञ आदि करते हैं, अच्छे संस्कार बच्चों को यहाँ देने की एक प्राथमिकता है। आज 12वीं कक्षा का परिणाम उत्तीर्ण हुआ है, बड़ी अच्छी खुशी है, विद्यालय अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने में कायम है, 57 मेरिट आना सबके लिए गौरव की बात है और मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर दयाचार्य जी जो हमारे विद्यालय के निर्देशक हैं उनसे फ़ोन पर संपर्क हुआ था, उन्होंने कहा था कि इन बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना, जितने अध्यापक हैं सभी ने जी तोड़ मेहनत की है, सभी बच्चों ने भी साथ के साथ मेहनत की और इनके माता पिता का जितना आभार प्रकट करें क्योंकि माता पिता जब बच्चे को विद्यालय में भेज देता है तो उसका सारा का सारा भार, उसका जिम्मा हमारे प्रति रहता है, तो हमने देखना कि किस बच्चे को किस हिसाब से चलाना है। अब इतना अच्छा रिजल्ट इन बच्चों ने दिया है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। सर दयाचार्य जी की तरफ से इनको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, प्रिंसिपल मैडम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा विद्यालय दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति और प्रगति करता रहे और इसी तरह अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने में एक नया कीर्तिमान बनाए। पानीपत शहर के सबसे सस्ती फीस का स्कूल, सबसे अच्छे संस्कारों का स्कूल, सबसे अच्छी शिक्षा का स्कूल, यहाँ दिखावा नहीं केवल पढ़ाई है, अनुशासन है और जहाँ अनुशासन और पढ़ाई हो वहाँ शिक्षा अपने आप बनने में रहती है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अनुशासन की बात सर आप कर रहे थे लेकिन बहुत से स्कूल हमने ऐसे भी देखे जहाँ सुबह ही बच्चों के ऊपर शिक्षा का शुरू कर दी जाती है, लेकिन कोरोना का समय भी हमने आपको देखा, उस दौरान भी बच्चों को यहाँ यज्ञ कराए गए, उधर काफ़ी सीखने को बच्चों को मिलता है क्योंकि
शिक्षा के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यज्ञ यहाँ पर कराया जाता है, वो तमाम जो अनुशासन में रहने के तौर तरीके हैं वो बच्चों को सिखाए गए, लेकिन आज बच्चे यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, लंबा समय इन बच्चों ने यहाँ पर बिताया, तो याद बच्चों की रहेगी इनके साथ जो पल बिताए हैं, खट्टा मीठा अनुभव रहा है, कभी डांटा भी है, फटकारा भी है, शिक्षा के नाम पर भी, अनुशासन के नाम पर भी, इनको समझाया भी है। किसी कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी एक बच्चे ने आपके सामने अभी इंटरव्यू दिया था विवेक ने, ये बच्चा 134 का था और जब इसका 134 में बाल विकास स्कूल में आया तो ये पेरेंट्स यहाँ से ले जाने लगे, वहाँ जाना चाहता था, लेकिन जब ये रोने लगा तो आचार्य जी ने कहा कि क्या कारण है। मैंने बताया जी इस तरह से ये वहाँ जाएगा और इसका मन यहाँ है, ये पढ़ना यहाँ चाहता है, तो हमने इसको कहा 134 के तहत आप वहाँ जाओगे, यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी फीस में आपको यहाँ रख लेंगे, लेकिन बच्चे को रोने नहीं देंगे। बच्चा जब पढ़ने वाला है या अनुशासित बच्चा है वो हमारे साथ रहे, बड़ा अच्छा अनुभव इनके साथ रहा, बच्चों ने हमारे से बहुत कुछ सीखा, हमने भी इन बच्चों से कुछ न कुछ प्रेरणा ली है। ये बच्चे आज यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन फिर परमात्मा से प्रार्थना है ये अपना उज्जवल भविष्य बनाए, ये स्कूल इनका है, जब भी चाहें ये अपने जूनियर के लिए कोई भी संदेश दे सकते हैं, कभी भी स्कूल में आ सकते हैं। हृदय की गहराई से इनका विद्यालय में अभिनंदन है, स्वागत है और इनके माता पिता का आभार प्रकट करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए आर्य बाल भारती स्कूल से लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां आज CBSE बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया है और स्कूल के 57 जो मेरिट हैं वो बच्चे लेकर आए हैं और इसी खुशी में जो हाँ आज बच्चों को मिठाई खिलाई जा रही है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।